बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नाज़रीन। आज मैं वेजिटेरियन के तौर पर एक काफ़ी बेहतरीन लिस्ट लेकर आया हूँ प्रोटीन फूड्स के लिहाज से, क्योंकि मोस्टली तौर पे वेजिटेरियन जो है एनिमल सोर्स प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में तذکرہ करेंगे कि ऐसी कौन सी वेजिटेरियन फूड्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाया जाता है। तो लिहाजा अगर आप इन तमाम फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रोटीन के तौर पर काफ़ी आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ भी जो कि आपकी मसल बिल्डिंग, वेट लॉस या कोई भी प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो इन वेजिटेरियन फूड्स के लिहाज से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह ताला मिलने वाला है। तो लिहाजा हम टाइम ज़ाय के बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसकी तमाम डिटेल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले जो टॉप लिस्ट में है वो है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स आपको एक बॉयल्ड कप की बदौलत आपको 15 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होगा। तो लिहाजा आप किडनी बीन्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं चिक पीस 16 ग्राम। ये आपको एक कप की बदौलत 16 ग्राम आपको चिक पीस की सूरत में आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद आते हैं पीनट्स। पीनट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि इसके अंदर हेल्दी फैट होता है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो तकरीबन 26 ग्राम होगा 100 ग्राम की बदौलत। अच्छा, इसके बाद आते हैं ग्रीन पीस, यानी जो मटर होते हैं, उसके अंदर आपको एक बॉयल कप की बदौलत आपको 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं ग्रीक योगर्ट, वो आपको एक कप के ऑलमोस्ट 1 कप की बदौलत आपको 17 ग्राम प्रोटीन आपको इंशाल्लाह ताला इसके में मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं लेंटिल्स, यानी मुख्तलिफ जो दालें हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, लेंटिल्स में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक कप की बदौलत। जो एक कप बॉयल्ड आप करेंगे ये दालें तो उसके अंदर आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद आते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड 100 ग्राम की बदौलत आपको 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद आते हैं सोयाबीन्स, ये तकरीबन आपको 29 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा एक बॉयल कप की बदौलत। इसके बाद आते हैं पनीर। पनीर आपको 80 ग्राम की बदौलत आपको 14 ग्राम प्रोटीन इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं पम्पकिन सीड्स, ये आपको 100 ग्राम रोस्टेड तकरीबन 30 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर आपको इसकी मिकदार मौजूद होगी। इसके बाद आते हैं कैशियोज, ये आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम की बदौलत। ये तमाम फूड लिस्ट जो अभी मैंने ये प्रोटीन की आपको बताई है एज ए वेजिटेरियन, एज ए वेजिटेबल्स, तो ये तमाम फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो इसका आपकी मसल बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर होगा। एक चीज़ भी इसके अंदर जितनी भी मैंने लिस्ट ये आपको ये शेयर की है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बॉडी बिल्डिंग में इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जैसे किडनी बीन्स है, इसके अलावा बाकी भी जितनी इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स बताई हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला इफेक्ट होगा। तो लिहाजा वेजिटेरियन इन तमाम वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, और इसके साथ इसकी तमाम जो फैक्ट्स हैं आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर और भी कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। इंशाल्लाह ताला हम नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।